1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है उसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो इस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली है। जिम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया में फेमस होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थीं जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के एक्सपीरियंस को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी द व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, उनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब जहाज पूरी तरह से तैयार हो चुका था लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का उस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अखबारात में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकरर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफर करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते हैं। इस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गईं और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफर का आगाज करने वाली थी। मिस्टेक नंबर 1, दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर का आगाज कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गईं। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत में 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुँचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालिकान की दी गई इंस्ट्रक्शंस और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, उनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर्स का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफर के आगाज में ही वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज, जो कि टाइटैनिक से कुछ घंटे ही आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर पर तैरती हुई चट्टाने यानी आइसबर्ग्स के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वार्निंग कम से कम भी 6 बार दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर्स की कोताही की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग्स इनसे मिस हो गई। उनके लिए शायद ये नॉर्मल बात थी, लेकिन यही थी टाइटैनिक के अमले की दूसरी गलती, क्योंकि टाइटैनिक अपने तर्ज का पहला लग्जरी जहाज था और इसमें कई VIPs भी मौजूद थे। इसी वजह से ज्यादातर टाइटैनिक का अमला फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स की खिदमत में मसरूफ था। अगर इन वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो आगे का पूरा सीन ही अलग होता।
मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट वार्निंग भी मिस हो चुकी थी। टाइटैनिक अब तेजी से इंतहाई बेखौफ अंदाज में आइसबर्ग की रेंज में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था क्योंकि जहाज के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइसबर्ग की इतला दूर से देखने पर ही कैप्टन को देने के लिए रेडी थे। लेकिन दूर से देखने के लिए इनके पास एक चीज मौजूद ही नहीं थी, और वो चीज थी दूरबीन। जी हाँ, पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन वो आइसबर्ग को दूरबीन ना होने की वजह से दूर से नहीं देख सके, और यही थी टाइटैनिक की तीसरी गलती। आइसबर्ग की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल फील्ड की साइज जितना आइसबर्ग है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4, क्योंकि अटलांटिक ओशन में अक्सर शिप्स को ऐसे आइसबर्ग्स का सामना करना पड़ता है जिसको बड़े बड़े बहरी जहाज आराम से हैंडल कर लेते हैं, शायद कैप्टन स्मिथ ने भी यही सोचा था। आइसबर्ग की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही टाइटैनिक का रुख बदलने का भी ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फजूल साबित हुआ। आइसबर्ग अब टाइटैनिक के सेंटर से टकरा चुका था, लेकिन टाइटैनिक के अभी भी बचने की काफी उम्मीद बाकी थी। ये उम्मीद बाकी रह गई थी कि शायद आइसबर्ग जहाज की बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, या फिर आइसबर्ग जहाज से टकराते ही खुद ही टूट जाए। और शायद होता भी ऐसे ही अगर टाइटैनिक की चौथी गलती अपना काम ना दिखाती। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिविट्स लगी थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी थी। इन रिविट्स का काम लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े रखना होता है, लेकिन चूंकि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इसी वजह से जिस जगह आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया वहां के रिविट्स प्रेशर की वजह से खुल गए, और फिर वही हुआ जिसका डर कैप्टन स्मिथ को था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी, और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। इस खतरनाक तसादुम ने पूरे अमले और पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था, और साथ ही जहाज में मौजूद टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी, क्योंकि टाइटैनिक को ऐसे डिजाइन किया गया था कि अगर इसके 3 फ्लोर्स में पानी भर भी जाए फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती थी इस जहाज की कि 3 फ्लोर्स को क्रॉस करके पानी अब चौथे फ्लोर तक जा पहुंचा था। अब मामला हाथ से निकल चुका था, टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता ओशन में डूबता जा रहा था। अब जहाज की फिक्र किए बगैर इसमें मौजूद पैसेंजर्स की जान बचाने का वक्त आ चुका था। कैप्टन स्मिथ ने रेडियो पर इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। जब तक कोई मदद के लिए आता तब तक पैसेंजर्स को लाइफ बोट्स में शिफ्ट करने का प्लान किया गया, लेकिन इस मौके पर 5वीं गलती ने अपना काम दिखा दिया। जी हाँ, जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर्स थे 1500 और बोट्स थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और हर शख्स उन चंद गिनी चुनी कश्तियों में सवार होना चाहता था। 12:45 पर पहली इमरजेंसी कश्ती समंदर में उतारी गई, लेकिन यहां हुई एक और छठी गलती। अफरा तफरी के आलम में कश्तियों को पूरा भरे बगैर ही समंदर में उतार दिया गया, जिसमें ज्यादातर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को तरजीह दी गई थी, यानी जो लोग ज्यादा अमीर थे उनको पहले बिठाया गया था। कश्तियों में अगर ज्यादा पैसेंजर्स को बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाया होती। अब जहाज तेजी से समंदर में डूबता जा रहा था। 2:18 पर शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की सारी रोशनियां बुझ गई थी, और अगले ही लम्हे जहाज टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। यूं टाइटैनिक को समंदर के अंदर मुकम्मल तौर पर डूबने के लिए 2:40 लगे, और इस तरह 1500 लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में डूबकर मर गए। आपको एक और बात भी बताते चलें कि पानी का टेम्परेचर उस वक्त -2°C था, मतलब अगर पैसेंजर्स इस ठंडे पानी में छलांग भी लगाते तो बचने का कोई चांस नहीं था, क्योंकि इंसान इतने कम टेम्परेचर में 30 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। कहा जाता है कि मरने वालों की तादाद 1500 से भी काफी ज्यादा थी, क्योंकि जिन लोगों की जहाज के अमले से जान पहचान थी उनमें से काफी लोग जहाज पर बगैर टिकट सवार हुए थे। जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज्यादा तादाद बच्चों और ख्वातीन की थी।
दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ था जो सारा वक्त लोगों की जान बचाने में लगा रहा और वो आखिरी आदमी था जिसने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।